खबर प्रतापगढ़ से है, जहां पर रंजिशन दबंगों ने अधेड़ को मारी गोली। पुलिस ने अधेड़ को इलाज के लिए पहुंचाया ट्रॉमा सेंटर। पुलिस ने अधेड़ को इलाज के लिए ट्रॉमा सेंटर पहुंचाया है। आपको बता दें कि ट्रॉमा सेंटर में चल रहा है अधेड़ का इलाज। दबंगों ने गांव में फायरिंग कर फैलाई दहशत। दबंगों के द्वारा गांव में फायरिंग कर ये दहशत फैलाई गई है। स्थानीय लोगों ने दबंगों की बाइकों में लगाई आग। मौके पर पहुंचे सीओ, जांच में जुटी पुलिस। घटना को अंजाम देकर आधा दर्जन दबंग मौके से हुए फरार। लालगंज कोतवाली के वीर सिंहपुर गांव की ये घटना सामने आ रही है, जहां पर आपको बता दें कि रंजिशन दबंगों ने एक अधेड़ को गोली मार दी। रंजिशन दबंगों ने एक अधेड़ को गोली मार दी है, जिसके बाद अधेड़ का इलाज अस्पताल में चल रहा है। पुलिस ने अधेड़ को इलाज के लिए ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया है। इस पर हमारे साथ जुड़े हैं संवाददाता महफूज। महफूज, ये जो मामला सामने आ रहा है, जहां पर दबंगों की दबंगई खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही, और अब एक युवक को, एक अधेड़ को गोली मारने की बात सामने आई है, जिसको इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, इसको लेकर क्या जानकारी है आपके पास? जी, आपको बता दें, ये रंजिशन अज्ञात बाइक का, पहले रात में तो लोगों ने अज्ञात ही बताया था, लेकिन पीड़ित ने जिसको गोली लगी थी उसने पहचान लिया और तहरीर भी दी है। तहरीर देने के बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दबिश दी जा रही है, तीन टीमें लगा दी गई हैं। अभी तक किसी भी मुलजिम की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। आपको बता दें, उसकी गोली लगने के बाद पुलिस आनंद फानंद मौके पर पहुंचती है और पीड़ित को, जिसको गोली लगी रहती है, घायल अधेड़ को ले जाकर ट्रामा सेंटर भर्ती कराती है। उसका उपचार चल रहा है। पुलिस अपराधियों को पकड़ने के लिए जगह जगह दबिश दे रही है और क्षेत्र में काम्बिंग भी की है, लेकिन अभी तक किसी अपराधी को पकड़ा नहीं जा सका है। फिलहाल रात तक मामला अज्ञात था, लेकिन पीड़ित ने सभी को पहचान लिया था और उसके बाद सभी को नॉमिनेट कर दिया गया। इसमें पांच मुलजिम हैं, अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हो सकी। जी, ये हम जानकारी देने के लिए धन्यवाद महफूज। तो आपको बता दें कि गोली मारने का मामला सामने आया है, जहां पर लालगंज कोतवाली के वीर सिंहपुर की यह घटना सामने आई है, जहां पर दबंगों के द्वारा एक अधेड़ को मारी गई गोली। रंजिशन गोली मारने की बात सामने आ रही है, जिसके बाद आपको बता दें कि पुलिस के द्वारा घायल को ट्रॉमा सेंटर में कराया गया भर्ती। दबंगों ने गांव में फायरिंग कर फैलाई दहशत। स्थानीय लोगों ने दबंगों की बाइकों में लगाई आग। मौके पर पहुंचे सीओ, जांच में जुटी हुई है पुलिस। पुलिस अभी भी जांच में जुटी हुई है और दबंगों की तलाश जारी है। लालगंज कोतवाली के वीर सिंहपुर गांव की यह घटना सामने आ रही है, जहां पर करीब आधा दर्जन गांव के दबंगों के द्वारा यह घटना को अंजाम दिया गया। एक अधेड़ के पैर में गोली मारी गई। आपको बता दें कि पुरानी रंजिश के चलते ये गोली मारी गई है, जिसके बाद पुलिस के द्वारा घायल को ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है।